लेकर आई हूँ साउथ मुंबई में, और यहाँ पे स्पेशली एक ऐसी जगह पे लेकर आई हूँ जहाँ पे आपको बजट थाली भी मिल जाएगी और स्पेशल थाली भी मिल जाएगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं अंदर, बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे। क्यों इतना क्राउडेड है, क्या स्पेशल है इस खाने में, वो अंदर जाके देखेंगे। और इसकी जो लोकेशन है ये एग्जैक्टली पंचमपुरी वाला जो CST स्टेशन के बाहर है उसके ऑपोजिट में है। तो यहाँ पे 6 अलग अलग थालीज मिलती है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली ₹90 टू अ प्रीमियम मैंगो थाली, क्योंकि मैंगो सीजन में है तो उसके भी कुछ आइटम्स तो जरूर टेस्ट करने ही चाहिए। तो आइए चलते हैं गुरुसेन वेज रेस्टोरेंट में और देखते हैं कि अंदर क्या क्या स्पेशल चीजें खाने की हमारा वेट कर रही है। चलिए, तो चलिए सबसे पहले आपको गुरुसेन वेज रेस्टोरेंट का मेन्यू दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप अलाकार्ट तो काफी सारी चीजें ऑर्डर कर सकते हैं, वेजिटेबल्स, राइस आइटम्स, पराठाज, एंड यहाँ पे डिजर्ट्स भी है, दाल्स भी है। एंड उसके अलावा एक ऐसी डिश है जो आपको डे वाइज स्पेशल मिलती है, उसका भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि क्या क्या मिलता है। एंड थालीज जो है यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ₹90 से यहाँ पे थाली स्टार्ट होती है। तो एक जो रेगुलर थाली है आप ₹90 दे के खा सकते हो, पेट भर के खाना होगा आई एम श्योर। एंड इसके अलावा यहाँ पे देयर स्पेशल थाली, देयर पनीर थाली, डिलक्स थाली, मराठी थाली, फुल राइस थाली, उसमें भी रेगुलर स्पेशल, लाइक सो मेनी टाइप्स। एंड आई वॉज हाईली कन्फ्यूज कि मैं डिसाइड क्या करूँ, कौन सी थाली लेनी है। बट यहाँ पे मुझे इन्होंने रिकमेंड किया कि मैंगो स्पेशल थाली ट्राई करने के लिए। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मैंगो स्पेशल थाली इज अवेलेबल बिकॉज द सीजन, आई थॉट कि वही ट्राई करूंगी। सो लेट्स ट्राई द मैंगो थाली फर्स्ट। वी ट्राइड द पनीर थाली एंड इट वाज वेरी नाइस, इट वाज वैल्यू फॉर मनी। देयर वाज वन पनीर भाजी, देयर वाज पनीर पुलाव, रायता, दाल कोल्हापुरी वाज देयर, एंड वन मेथी सब्जी वाज देयर, एंड चना मसाला, and yes the sweet. We also came here for the first time, so the experience was very nice. So I am so excited कि ये गुरु सेन वेज रेस्टोरेंट में आके इतनी सारी अमेजिंग थाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैंने ये ली है एक स्पेशल मैंगो वाली थाली, बिकॉज मैंगो आर इन सीजन, तो उसका पूरा पूरा फायदा उठाना है मुझे। एंड आई एम रियली वेरी ग्लैड कि मैंने मैंगो थाली ऑर्डर की है, क्योंकि ये देखिए जो सबसे पहली चीज मुझे इसमें दिखाई दे रही है ना, आमरस, तो क्वांटिटी इतना भर भर के, इतना बड़ा बोल ऑफ आमरस इन्होंने इसमें दिया हुआ है। अभी तक मैंने जितनी भी मैंगो थाली खाई है या आमरस पूरी खाई होगी जिस भी किसी रेस्टोरेंट में, इतनी सारी क्वांटिटी में आमरस मुझे कहीं भी नहीं मिला था। सो दिस इज अ फर्स्ट टाइम। और 3 आइटम्स हैं इसमें मैंगो के, सो ये तो एक है आमरस, दूसरा है मैंगो लस्सी, एंड द थर्ड वन इज दिस चुंडा। तो स्टार्ट करते हुए थाली खाने बिल्कुल रहा नहीं जा रहा, बढ़िया खुशबू आ रही है, सिंपल वेज खाना दिखाई दे रहा है। सबसे पहले चपाती देखती हूँ, तो चपाती इसमें कितनी दी है इन्होंने, ओ माय गॉड, देयर आर 4 चपातीज इन दिस थाली। सो ट्राई करते हैं ये ड्राई वेजिटेबल के साथ, बढ़िया सॉफ्ट चपाती है, घी लगाया हुआ है, और ये आलू मेथी की सब्जी भी मुझे बहुत टेम्पटिंग लग रही है, हालांकि मेथी कम है आलू ज्यादा है, बट टेस्ट देखते हैं। दिस इज ऑसम, आलू है ना बहुत बढ़िया से फ्राई हुए, मुझे ना थोड़े से ओवर कुक भी आप बोल सकते हो, बट ऐसे ही आलू पसंद होते हैं सब्जी में। दिस इज कम्प्लीटली अ सिंधी स्टाइल सब्जी, जैसे हम अपने घर पे बनाते हैं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि मेथी थोड़ी सी इससे ज्यादा होती है, बट स्टिल दिस सब्जी इज रियली डिलीशियस। द सेकेंड वन इज मटर पनीर, इसे ट्राई करते हैं। तो इसमें पनीर के क्यूब्स भी है और इसमें ग्रेट किया हुआ पनीर भी दिखाई दे रहा है। कम्प्लीटली होममेड स्टाइल सब्जी, मीडियम स्पाइसी, रेस्टोरेंट स्टाइल जो ग्रेवी होती है ना वैसी नहीं है, घर के जैसी बनी हुई। ये जो आलू मेथी की सब्जी है ना, अगर आपके साथ में बच्चे हैं ना तो वो भी खा सकते हैं, उसका स्पाइस लेवल ऐसा है। और ये साथ में दिया हुआ है चुंदा, इसे ट्राई करूंगी। वाह सुपर, रिसेंटली एक थाली में ट्राई किया था मैंने चुंदा, साउथ मुंबई का ही वीडियो था, बहुत ही अमेजिंग था, बिल्कुल उसी क्वालिटी का ये चुंडा है, इट्स वेरी टेस्टी। ड्राई मैंगो यानी कि कैरी को ना धूप में सुखा के एंड देयर सम प्रोसेस उससे बनाया जाता है, इसे मैंगो सीजन में ही इसे बनाते हैं, साल भर इसे स्टॉक करके प्रिजर्व करके खाया जाता है एज एन एकम्पनीमेंट, लाइक यू हैव अचार एंड चटनी एक्सेट्रा, उस तरीके का। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे आज भी ये मिलने वाला है, इट्स लवली। और एक्साइटमेंट में मैं इनका स्टार्टर तो खाना भूल ही गई, कचौरी है। सो अंदर ड्राई मसाला स्टफ है, यूजुअली जैसे कचौरी होती है,
दिस इज ऑल्सो गुड। अब इसके बाद मैं ट्राई करने वाली हूँ वेज पुलाव। एक एक दाना खिला हुआ है चावल का, और मटर है, गाजर है, पनीर के भी क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं मुझे इसमें। सिंपल खाना, मीडियम स्पाइसी, पुलाव में भी वेजीज यूज की है, हल्का सा इसमें तेल ज्यादा है बट वो ही उसे और भी ज्यादा टेस्टी भी बना रहा है। पापड़ भी दिया है इन्होंने साथ में, रोस्ट किया हुआ पापड़ दिया हुआ है, साग वगैरह, राइस वगैरह भी बढ़िया खाना है जी। अभी बटाटा की सब्जी है, गोभी की सब्जी है, और एक छोले का मसाला है, और जीरा राइस वगैरह है, गुलाब जामुन वगैरह दिया है। प्राइस भी ठीक है, ऐसा कुछ ज़्यादा भी नहीं है, 120 के 140 कुछ है, इतना ठीक है, इतना मुंबई में इतना मिलना बोले तो बहुत बढ़िया है। अब मैं खाने वाली हूँ द मोस्ट अवेटेड थिंग, आमरस। वाओ, सबसे पहले ना इसकी जो क्वांटिटी है ना वो ही देख के दिल खुश हो गया। आमरस बहुत ही बढ़िया बना है, कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो गुड। ऐसे नहीं कि पतला पतला सा बना के दे दिया आपने, 250 रुपए की थाली है जिसमें इतनी सारी चीजें हैं। क्वालिटी इज गुड, टेस्ट इज वेरी गुड, आमरस इज ऑल्सो वेरी गुड। स्वीट मैंगोज, हापस मैंगोज यूज करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये मैंगो लस्सी भी है इनकी थाली में। वाओ, जरा भी खट्टी नहीं है, एकदम स्वीट लस्सी है बट कम स्वीट भी नहीं है। एंड इसके अलावा आपको ऑप्शन में ना, अगर आपको ये दो सब्जियों में से एक ऑप्शन मिलता है, आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा सब्जी यानी कि भिंडी की सब्जी से इससे रिप्लेस कर सकते हो। सो भिंडी के साथ भी ट्राई करते हैं इसको, तो भिंडी भी काफ़ी मुझे एक घर वाली फीलिंग दे रही है। होममेड प्याज इसमें डाली हुई है, एकदम कम्प्लीट ड्राई नहीं है, अच्छी है ये भी, बट मुझे ये आलू मेथी बहुत ही बढ़िया लगी। और एक चीज़ आप रिप्लेस कर सकते हो, अगर आपको मैंगो लस्सी नहीं चाहिए तो आप इसे प्लेन लस्सी से भी रिप्लेस कर सकते हो। तो लस्सी की कंसिस्टेंसी भी इज क्वाइट गुड, बहुत ज़्यादा पतली नहीं, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं, क्योंकि बहुत थिक होने से ये हैवी हो जाती है। इतना खाना आप खाओगे, ऊपर से ग्लास फुल हैवी लस्सी पियोगे तो आप तो सो ही जाओगे। सो इस हिसाब से ये भी अच्छी है, प्लेन लस्सी ट्राई करते हैं। स्वीट एक्चुअली थोड़ी, मैं जब स्वीट खाती हूँ ना मुझे थोड़ा सा कम स्वीट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आई ऑर्डर्ड पनीर थाली एंड एक्चुअली द एक्सपीरियंस वॉज गुड, आई एक्चुअली लाइक पनीर मसाला एंड दैट एंड पनीर द पुलाव एज वेल एंड ऑब्वियसली अ स्वीट, वी गॉट द स्वीट, सो या द एक्सपीरियंस वॉज गुड। यहाँ पे कुकुम्बर भी दी हुई है, तो यहाँ पे मुझे बताया गया कि यहाँ की जो वेज मराठी थाली है ये भी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, पॉपुलर है, काफ़ी सारे लोग सिर्फ वेज मराठी थाली का ही ऑर्डर देते हैं यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम द अदर थालीज जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये मैंने ऑर्डर कर ली है, और इसमें भी आप देखो तो अगेन देर आर 4 चपातीज। सो मतलब एक्चुअली रेयर है ना एक थाली में 4 चपातीज मिलना, वो भी घी वाली, एंड द चपाती इज ऑल्सो गुड। सो यहाँ पे जो सब्जी का ऑप्शन है, तो दिस इज सेव टमाटर सब्जी, सो लेट्स ट्राई दिस वन। हल्की सी स्पाइसी है जो इसका मसाला है, ऊपर से वो थिक वाले जो तिखट सेव बोलते हैं ना मराठी में, तीखे वाले सेव, मोटे वाले, वो डाले हुए हैं इसमें, जिसकी वजह से क्रंच आ रहा है। सब्जी का टेस्ट अच्छा है, बूंदी रायता दिया हुआ है साथ में, अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा स्पाइसी हो रहा है। थोड़े से पतले है कंसिस्टेंसी रायता की, बट इट इज गुड। नेक्स्ट इज द करेले की सब्जी, काफी अच्छी सब्जी है करेले की, बहुत ही बढ़िया। तो प्याज टमाटर के मसाले में इसको बनाया हुआ है, बहुत हल्का सा कड़वा है क्योंकि करेला है ऑफ कोर्स, बट इट इज रियली टेस्टी। इसको आप चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो भिंडी से। तो ये जो इनका मेन्यू है ना, ये सेट मेन्यू है, जो इनकी सब्जियां होती है मैंगो थाली में भी वही सब्जी आपको रोज मिलती है, एंड दिस मराठी थाली ऑल्सो। रेफरेंस फ्रॉम इंस्टाग्राम ओनली एंड वी केम हियर। आई ऑर्डर बेसिकली दी वेज कोल्हापुरी एंड इट वाज नाइस, बेसिकली इट वाज लिटिल स्पाइसी बट या दिस वाज वेरी गुड। तो यहाँ पे है दाल कोल्हापुरी और जीरा राइस, इसे खाते हैं। दाल का जो कलर है ना, कलर से कैसे लग रहा है कि बहुत तीखी होगी, बट बहुत तीखी नहीं, इट इज मीडियम स्पाइसी, मसालेदार। इसको मतलब जो तड़का दिया है ना वो मसालेदार है, मे बी उसकी वजह से कलर ऐसा हो गया है। टेस्ट इज अगेन रियली नाइस,
जीरा राइस के साथ में वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। पापड़ भी है इसमें, सैलेड में इसमें अनियन दिया हुआ है, पिकल भी दिया हुआ है साथ में। इसके अलावा देयर इज वन स्वीट विच इज गुलाब जामुन, और उसके पहले हम ये देखेंगे छाछ भी दी हुई है। मसाला छाछ है, थोड़े से नमकीन है, एंड लास्ट इज द गुलाब जामुन। थोड़ा सा स्वीट है एंड इट इज लाइक यू नो होममेड गुलाब जामुन। तो ये मराठी थाली आपको मिल जाती है 200 रुपीज में, और जो भी थाली यहाँ पे सर्व कर रहे लोग सारी लिमिटेड क्वांटिटी में सर्व होती है, कुछ भी आप चाहो तो एक्स्ट्रा ले सकते हो उसका पे करके। तो ये मैं फिनिश करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे ना वॉल पे अलग से एक डेजर्ट्स का मेन्यू दिया हुआ है, जिसे देख के अगेन मुँह में पानी आ रहा है। तो दो थाली ट्राई करने के बाद मुझे ये भी आपको बताना था, कैरमल कस्टर्ड अवेलेबल है यहाँ पे और मटका रबड़ी भी है, तो मैंने लिया है कैरमल कस्टर्ड। वाओ, जितनी अच्छी मुझे मैंगो थाली लगी थी उससे ही टक्कर का ये कैरमल कस्टर्ड है, एंड आई एम सो हैप्पी आई ऑर्डर्ड इट। बहुत ही मजा आया आज खाना खाने में। एक्चुअली जब मैंगो थाली हमने पहले खाई, सो इट्स लाइक अ स्पेशल थाली ओवर हियर, उसके बाद में हमने मराठी थाली खाई। मैंगो थाली का थोड़ा सा बलड़ा जो है वो भारी है, रियली रियली गुड। एंड मराठी थाली में भी जो दो उन्होंने आइटम्स दिए थे, एक तो दाल कोल्हापुरी एंड एक सेव टमाटर, आप मराठी स्टाइल बोल सकते हो, इट इज़ नॉट ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन, बट हाँ एक मराठी फील, एक मराठी टच है उसके अंदर। बट यू कैन ऑर्डर इट डेफिनेटली फॉर 200 रुपीज, पेट भर जाता है उसमें आपका। एंड कैरमल कस्टर्ड इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, बिल्कुल सॉफ्ट है, फ्रेश है, स्मूथ टू कट, कैरमल भी ज़्यादा कड़वा नहीं है, जितना होना चाहिए बस उतना ही प्रपोर्शन में डाला हुआ है, रियली गुड। सो आई एम हैविंग अ नाइस टाइम हियर। इफ यू हैड अ नाइस टाइम वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट हिट दैट लाइक बटन और कमेंट कर दीजिए कि आपको आज के वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ताकि सब आके इन थालीज का बेनिफिट उठा सके। कॉस्ट इफेक्टिव है, पॉकेट फ्रेंडली है एंड अमेजिंग टेस्ट है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो एंजॉय करो।